घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कोबरा, इसे सुरा कोबरा होता है, कोबरा सांप घोंसला बनाकर रहता है यहाँ। कोबरा सांप ये दूसरे सांप को खा जाता है, बहुत खच्चर सांप है, दूसरे सांपों को खा जाता है कोबरा सांप। आगे देखें, देखिए सांप जब भी काटे ना आप लोग को, तो उसके लिए एंटी वेनम इंजेक्शन आता है, सरकारी हॉस्पिटल में रहता है, वहां जाके लगवा लीजिएगा, झाड़ फूक में मत रहिएगा। हिंदुस्तान में 450 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं, जिसमें महज 10 सांप ही जहरीला है। 10 जहरीला है तो बताइए कितने सांप जहरीला नहीं है, तो 440 सांप जहरीला नहीं है। अगर इन 440 में से काट लिया तो आपको ओझा, सोखा, मौलाना जो लोग हैं वो झाड़ के सही कर देंगे। लेकिन ये जो 10 गो जहरीला है ना, तो कभी कभी सुने ना कि सोखा को ही सांप काट लेता है, सोखा मर जाता है। क्यों? क्योंकि सोखा को ये 10 वाला काट लिया, उसी को सोख लिया। इसलिए ज्यादा तामझाम में नहीं रहिएगा, आराम से जाइएगा डॉक्टर के पास। दुनिया के कितनों जहरीला सांप काटा रहे, आपको 4 घंटे जिंदा रखेगा अगर आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ी है तो। लेकिन जहां घबरा जाएंगे, और ये ससुरा सांप काट लिया, ओ माई गॉड आई एम गोइंग टू डेथ बिकॉज स्नेक हैज बीटन मी, ससुरा अब लो मरेंगे वहां पर। आराम से रहिए, 4 घंटा जिंदा रहेंगे। जितना उसको बस सांप के जहर को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देना, मतलब मार डालेगा, हार्ट और ब्रेन तक पहुंचेंगे तो मार डालेगा। तो जहां सांप काटा है वहां धुलिएगा तो देखिएगा दो दांत दिखते हैं, हल्का सा वहां से ब्लड निकाल देना चाहिए। अब काट कूट के ब्लड निकालने से अच्छा इंजेक्शन से निकाल दीजिए वहां पे इंजेक्शन। अब इंजेक्शन में भी कौन सा इंजेक्शन ध्यान दीजिए, ऐसे ये इंजेक्शन जो होता है ना, इसमें तो हाई वाला जो सिरिंजवा होता है, इसमें ये वाला हटा दीजिए, ये नोकिया होता है, ये नोक जो होता है इस नोक को निकाल दीजिए, ये नोक है इस नोक को हटा दीजिए। इससे खींचेंगे ना तो अच्छा से खींचा जाएगा, अच्छा से खींच खींच के उसको क्या करिए निकाल दीजिए हल्का सा, और डॉक्टर के पास जाके कह दीजिए, वो एंटी वेनम इंजेक्शन चढ़ाएगा, सही हो जाएंगे। समझे? गेंडे का चमड़ा, गेंडा जो होता है ना गेंडा, उसका चमड़ा आप इसे तलवार से काटेंगे ना, गेंडा का चमड़ा एक तो जल्दी कटता नहीं है, कट गया ना तो चल जाएगा वहां पे उठ के, एक दो दिन में एकदम टनाटन अपने से टाका उका मार के घूमेगा, एकदम काट दिया था मेरा चमड़ा। तो ये उनमें कोशिका विभाजन क्या होता है, बहुत ही तेजी से होता है। किससे होता है? तेजी से होता है। तो ये होते हैं हमारी शरीर की क्षतिपूर्ति, यही ससुरा कैंसर उत्पन्न कर देता है। क्यों? आप मान के चलिए हमारे शरीर में यहाँ पे ऐसे चोट लगा, एक लाठी मार दिया कोई, या गिर गए हम कहीं, यहाँ चोट लग गया, यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं मर जाएंगी। मरी हुई कोशिकाओं को खत्म करने का काम लाइसोसोम करें, कौन करेगा? लाइसोस। अब वहां पे तो कोशिकाओं का खाली जगह हो गया, वो तो दिखेगा नहीं, गड्ढा थोड़ी हो जाएगा, गड्ढा नहीं होने वाला है, लेकिन वो मतलब थोड़ा सा काला हो जाता है। अब वहां से लाइसोसोम हटा देगा। अब इसके अगल बगल की कोशिकाओं में क्या होगा? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन से मान के चलिए 100 कोशिकाएं टूटी हैं तो कितना बनना चाहिए? 100, 110 बन जाएगा तो भी कुछ खास दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 कोशिका की जगह पे ससुरा 1 लाख बना देगा तब वहां हमको गांठ बनने लगेगा, गांठ को हमको एक्स्ट्रा दिखने लगेगा, ससुरा ये गांठ कैसा है। तो डॉक्टर से आदमी इलाज कराता है, देखिए ना गांठ बन गया है, तो एक दो को दवा दे देता है जिससे वो गांठ खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है गांठ। लेकिन अगर वो गांठ बन रहा है और बनना नहीं रुक रहा है, इसका मतलब क्या नहीं रुक रहा है? समसूत्री, वो धड़ाधड़ बनाते जा रहा है, बनाते रहा, नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। तो डॉक्टर कहता है तो ट्यूमर लग रहा है, अब जाइए आप थोड़ा कैंसर का इलाज कराइए, कार्सिनोमा कराना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे डॉक्टर कह देगा दूस ससुरा तू नहीं, इसका तो कोशिका विभाजन नहीं रुक रहा है। अब क्या हो गया? अब डॉक्टर लाएगा कौन सा चीज? गामा रेज। क्या लाएगा? गामा रेज। और गामा रेज से क्या करेगा? आपका सेकाई करेगा, यानी सेकाई नहीं कर रहा, उस कोशिका की जान ले रहा है जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं बन गई हैं। तो वो कोशिका अगल बगल की कोशिकाओं को कह देती है, देख रहे हैं जान ले रहा है हमारा, अगल बगल की कोशिकाएं उसको बचाने आती है, अरे हमरे भैया हिम्मत मारो यहाँ पे। तो वो ससुरी मर जाती है सर। तो कोशिका का जब हम लोग गामा रेज से सेकाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं सर, बहुत सारी चीज मर जाती हैं सर, और बाल वगैरह क्या होने लगता है? टकला होने लगता है। तो ये सही भी है और बहुत गलत भी है। समसूत्री विभाजन में सबसे बड़ी बाधा जब आ जाती है, जब आपको HIV या शुगर नाम की बीमारी हो जाती है, तो HIV में ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए किसी भी ऑपरेशन से पहले कोई जांच हो ना हो, लेकिन शुगर और HIV की जांच 100% उस ससुरा करीबे करेगा, क्योंकि डॉक्टर कितना भी बढ़िया हो अगर HIV है तो ऑपरेशन के बाद समसूत्री विभाजन अपने अच्छे ढंग से काम नहीं करती है। शुगर में क्या होता है? काम करती है, लेकिन उस जगह को घाव बनने की संभावना एक नॉर्मल इंसान से 5 गुना ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी शुगर का कोई मरीज है और उसको एक नॉर्मल घाव का ऑपरेशन कर दीजिएगा, मान के चलिए किसी का सपोज कीजिए पथरी है पेट में, क्या है पथरी है, और उसको शुगर भी, ऑपरेशन किया तो सब सही हो गया, टाका भी लगाया सही हो गया, लेकिन उस ससुरा घाव बनने की संभावना आम आदमी से 5 गुना ज्यादा होता है अगर उसका शुगर हाई है। तो अब वो टाका लगल है वहां घाव बन जाएगा, घाव बनता है तो मांस एकदम ढीला हो जाता है, अब टाका सड़ जाएगा वहां पे, ले छेद हो गया, सब गिरने लगेगा ऐसे, किडनी उडनी पकड़िए अब ले जा रहा है, लीवर गिर गया, स्प्लीन सब देखते रहिए क्या, और डॉक्टर को गरिया कैसे सिला था रे, सब लीक कर गया। तो इसलिए डॉक्टर पहले करता है तो लीक कर जाएगा, पहले चेक करा के आओ। समझा गया कि नहीं? हाँ, HIV और एड्स दोनों एक ही चीज होता है। वायरस का नाम क्या है? HIV। जिस तरह वायरस का नाम क्या है? कोरोना। वायरस का नाम क्या है? कोरोना। कोरोना से कौन सी बीमारी होती है? COVID-19। तो HIV से कौन सी बीमारी होती है? एड्स।